Assalamu alaikum. Myself Sabiha Badshah. Welcome to Anglo-Urdu High School English Medium. कक्षा 9 विषय हिंदी. काव्य चौबूत युग और मैं. कवि नरेंद्र शर्मा. कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 ईस्वी में जहांगीरपुरा में हुआ था. शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए तक हुई. वे आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रम के प्रधान के रूप में सक्रिय रूप से जुड़े रहे. उनका नाम प्रगतिवादी कवियों में भी लिया जाता है, जो अंशतः उचित भी है. नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रानंदन पंत जी की तरह तीन युगों में रहा है. वे पहले प्रेम और विरह के छायावादी गीतकार रहे, फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में और अंत में अरविंदवादी दार्शनिक के रूप में. उनके कविता संकलनों में प्रमुख है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्निशस्य, रक्तचंदन, लाल निशान, पलाशवन आदि का कविता संग्रहों के अतिरिक्त नरेंद्र जी का एक कहानी संग्रह भी है. कड़वी मीठी बातें उनकी कई कविताओं में तत्कालीन समय की वेदना प्रतिबिंबित है. युग और मैं कविता में देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ, बस्तियां उजड़ने लगी, मानवता जख्मी हुई, इसकी कवि को असह्य पीड़ा है. पीड़ा का मतलब होता है दर्द, दुख होना. सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा नगण्य लगती है. मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए हैं, पर अपने में देवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर मनुष्य आत्मघाती बनकर एक दूसरे का पराभव कर जगत के वैभव को तहस नहस कर रहा है. इसकी वेदना युग और मैं कविता में अभिव्यक्त हुई है. चलिए अब हम काव्य पंक्तियों के द्वारा उसकी समझौती लेते हैं. कवि कहते हैं, उजड़ रही अनगिनत बस्तियाँ, मन मेरी ही बस्ती क्या, धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या. कवि कहते हैं कि आज विध्वंस का वातावरण है. जब असंख्य बस्तियाँ उजड़ रही है, तब मेरी बस्ती किस बिसात में है. जब धब्बों यानी के दाग धब्बों की तरह देश मिट रहे हैं, तो मेरा अस्तित्व तो बहुत तुच्छ है. वह मिट जाए तो क्या आश्चर्य. बरस रहे अंगार गगन से धरती, लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कहीं. दुनिया भर की दुख कथा है, मेरी ही क्या करुणा कथा. कवि कहते हैं कि आज बमों के रूप में आकाश से आग के गोले बरस रहे हैं, धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही है. जब सभी मौत के मुंह में जा रहे हैं, तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं. जब सारा संसार दुख से पीड़ित है, तो मेरा दुख दर्द किस गिनती में है. जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के. सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा. कवि कहते हैं कि घायल मानवता के घाव कब भरेंगे यह कोई नहीं जानता. दुनिया के सभी लोगों की बराबरी का सपना न जाने कब सच होगा. जब सारी दुनिया दर्द से कराह रही है, तो मैं अपनी व्यथा को बड़ी कैसे कहूँ. खोल रहे हैं सात समुंदर, डूबी जाती है दुनिया. ज्ञान था लेता था जिससे, गर्क हो रही वह दुनिया. डूब रही हो सब दुनिया जब, मुझे डूबता गम तो क्या. कवि का इस पंक्ति में कहना है कि हिंसा की आग में सातों समुद्र का पानी उबल रहा है. सारा संसार हिंसा से ग्रस्त है, जिससे ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता है. दुनिया उसमें डूब रही है. जब सारी दुनिया डूब रही है, तो मैं अगर गम यानी कि दुख में डूब रहा हूँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है. हाथ बने किस लिए, करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण. बुद्धि हुई किस लिए, की डाले मानव जग जड़ता में प्राण.
आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। ईश्वर ने मनुष्य को हाथ इसलिए दिए थे कि वह धरती पर स्वर्ग का निर्माण करे। मनुष्य को बुद्धि इसलिए दी गई थी कि वह संसार को जड़ता, जड़ता का मतलब होता है अज्ञान, यानी कि उसे बुद्धि इसलिए दी गई थी कि वह संसार को जड़ता से, अज्ञान से दूर करे। लेकिन आज सब बदल गया है। जब सभी की स्थिति दयनीय हो गई है तो मेरी दयनीयता किस बिसात में है। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी, काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। मनुष्य ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा था, उसे सारी सृष्टि अपने वश में करनी थी, लेकिन वह काम उसने बीच में ही छोड़ दिया और ज्ञानी होकर भी आत्महत्या की प्रवृत्ति में लग गया। जब ऐसे ज्ञानियों के निशाने सही न लगे और मेरे निशाने भी चूक गए तो इसमें और क्या हो सकता है। कवि हमें आखिरी पंक्तियों में बता रहे हैं कि इस दूसरे एक दूसरे का अभिभव कर, रचने एक नए भव को, है संघर्ष निरत मानव अब, फूंक जगत गत वैभव को, तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। इस पंक्ति में कवि हमें कह रहे हैं कि आज एक दूसरे को नष्ट, नष्ट यानी के परास्त कर एक नया संसार रचने की होड़ लगी है। आज का मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट करने के संघर्ष में लगा हुआ है। जब सारा विश्व नष्ट हो रहा है तो जो मेरा है उसके बचने का प्रश्न ही नहीं उठता। देखें कवि, आज का जो वातावरण विनाशक प्रवृत्तियों से भरा हुआ है, गांव उजड़ हो रहे हैं, शहर बर्बाद हो रहे हैं, मानवता घायल होकर कराह रही है, दुनिया की यह दशा देखकर कवि दुखी है, परंतु लाखों लोगों की पीड़ा के सामने उन्हें अपनी पीड़ा साधारण लगती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यही बताया है कि संसार के दुख दर्द के सामने मनुष्य को अपने दुख दर्द बड़े समझकर निराश नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकअल्लाह।